हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेंट्रल गराज रिसर्च सेंटर पे। आप ये स्टार्टर मोटर देख रहे हैं, ये स्टार्टर मोटर टाटा सिग्ना 4830 TK के न्यू टिप्पर ट्रक, जो 16 चक्का की न्यू टिप्पर ट्रक है, उसकी ये स्टार्टर मोटर है। तो स्टार्टर मोटर में क्या प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं गाड़ी में चल के। ये हमारी गाड़ी है टाटा सिग्ना 4830 TK टिप्पर ट्रक, 2024 मॉडल है। इसका सेल्फ स्टार्टर मोटर यहाँ पे दिया हुआ है, ड्राइवर सीट के नीचे दिया हुआ है इसका सेल्फ स्टार्टर। तो मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ स्टार्टर में क्या प्रॉब्लम है, तो आइए देखते हैं इसमें सेल्फ स्टार्टर में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें इग्निशन को ऑन करना है। ये हमारा इग्निशन ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं स्टूडियो में। उसके बाद हमें चलना है नीचे सेल्फ की साइड पे। सेल्फ की साइड पे आप आ गए हैं, सेल्फ के साइड पे मैं आ गया। और देखिए कि हमारा सेल्फ कैसे लंबा सेल्फ ले रहा है। और स्टार्टिंग के लास्ट में देखिएगा आप, एक आवाज़ आएगी, छन्नी से आवाज़ आएगी, आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं। तो वीडियो में देखिए आप सेल्फ स्टार्टर कितनी लंबी ले रही है। ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो आपने देखा कि सेल्फ स्टार्टर बहुत ही लंबी लेके स्टार्ट हो रही है। न्यू स्टार्टर मोटर है ये गाड़ी एक महीना भी नहीं चली है। इस गाड़ी की एक महीना भी नहीं हुआ है शोरूम से रिलीज हुए हुए, और इसके सेल्फ स्टार्टर में ऐसी प्रॉब्लम है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि इस स्टार्टर मोटर में क्या प्रॉब्लम, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये इतनी लंबी स्टार्ट हो रही है, और इसकी इतनी लंबी स्टार्ट होने का क्या कारण है। ये हमारा स्टार्टर मोटर कैसे फिट है इस गाड़ी में, मैं आपको दिखा देता हूँ सही तरीके से और अच्छे तरीके से। इसका पार्ट नंबर सेम टू सेम 4825 TK उसी का ये स्टार्टर मोटर है, लेकिन थोड़ा मॉडल चेंज है, पार्ट नंबर वगैरह अलग जगह स्टिकर मारा हुआ है, लेकिन सेल्फ स्टार्टर वही है। और सेट जहाँ हुआ है BS6 में, जो न्यू मॉडल है, थोड़ी दिक्कत होती है उस पर खोलने पे, क्योंकि उसका साइलेंसर साइड पे ज़्यादा जगह नहीं दिया हुआ है। जगह नहीं देने के कारण ये स्टार्टर मोटर खोलने में दिक्कत आती है। ये देख सकते हैं आप, इसका साइलेंसर इतनी कम जगह पे यहाँ पे सेट कर दिया गया है, और इसके नीचे ही आपका स्टार्टर मोटर है, तो खोलने में परेशानी थोड़ा होती है। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस है, खोल रहे डेली डेली, तो ये तुरंत खुल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू शुरू बार खोलने में थोड़ी परेशानी होती है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।